अलीगढ़ शराब कांड में मौत के सरकारी आंकड़ों पर भी सवाल उठ रहे हैं। टीवी 9 के कैमरे पर पीड़ित परिवार की बड़ी गवाही अब आप देखने जा रहे हैं। जहरीली शराब से मौत के बाद बिना पोस्टमार्टम कई शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कई शवों का जट्टारी के सुमित का पोस्टमार्टम नहीं किया गया, सुमित की शराब पीने से ही मौत हुई थी। तो ये एक बड़ी जानकारी, चौंकाने वाली जानकारी भी सामने आ रही है। अलीगढ़ में जो शराब से मौतें हुई हैं जहरीली देसी शराब पीने से, उसमें एक बड़ी बात ये भी है कि ऐसे भी परिवार हैं जिनके यहाँ जो मौतें हुई हैं उनमें पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। अब जब पोस्टमार्टम नहीं हुआ है तो फिर जहरीली शराब से मौत के सरकारी आंकड़ों में उनकी संख्या कैसे आएगी? लेकिन ये घर वालों का कहना है कि शराब पीने से मौतें हुई हैं, और इसीलिए ये बात सामने आ रही है कि जो आंकड़े हैं सरकारी आंकड़े, उसकी तुलना में मौतें कहीं ज्यादा हुई हैं। ऐसे एक परिवार में हम लोग हैं, आपके भाई की मौत हुई है। जी। क्या नाम था भाई का? सुमित। तो कहाँ से शराब खरीदी थी? ये मेरे को मालूम नहीं जी, कहाँ से खरीदी, ठेके से सुनी नहीं थे। अच्छा। हाँ। तो कैसे आप लोगों को मालूम पड़ा कि शराब पिए, मतलब शराब पीने के बाद क्या, मतलब चेहरा नीला पड़ गया, क्या दिक्कत आई? कि एक तो आंखें खुली हुई थी और होंठ लीले दिखाई नहीं दिया था, उसके मुंह से झाग आ रहे थे। आपकी रोशनी चली गई? हाँ, वही हुआ जो बाकी लोगों के साथ हुआ, सेम। छाती में जलन हुई, छाती में जलन, वही कंडीशन थी सेम। दूसरे लोगों के साथ इस इलाके में वही उसके साथ? हाँ, वही हुआ। कुछ लोग उसे देखने आए और देखने के बाद वो उन्होंने भी वही शराब पी थी, तो वही उसी कंडीशन में वो मरे थे। सब एक ही ऐसी कंडीशन में मरे हैं जितने भी हैं, सबने शराब पिया, सबकी एक ही कंडीशन है, सेम बिल्कुल। पोस्टमार्टम नहीं हुआ? पोस्टमार्टम नहीं हुआ, हमें मालूम नहीं थी। अच्छा। जानकारी आप लोगों ने दाह कर दिया? हाँ जी। यहाँ ऐसे और भी मौतें हुई होंगी जिन्हें पोस्टमार्टम नहीं हुआ है? और करीब 3 हैं ऐसे आदमी हमारे नगर पंच जट्टारी में। जट्टारी में 3 हैं? हाँ, एक राकेश वर्मा है जो मेन रोड पर रहते हैं, उन्होंने भी शराब की वजह से उनकी मौत हुई है। और एक जाटवों का मोहल्ला, चौकी वाला मोहल्ला, उस लड़के की भी मतलब जो पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, क्योंकि उसे जानकारी भी नहीं थी। और लोग बाग जो वैसे हैं थोड़े राजनैतिक, जो एक षड्यंत्र के तहत ये चाहते थे कि इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार ना हो, उन लोगों ने जो है मिसगाइड करके भी कई बॉडियों को दाग लगवा दिया है। तो ये बताइए कि जब अभी तक कोई प्रशासन की ओर से कोई पूछताछ करने आया आपके घर पे? कोई नहीं आया जी, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, पटवारी वगैरह भी नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो लिस्ट में नाम भी नहीं होगा? नहीं है। एक और ऐसे ही हम परिवार में आए हुए हैं जिनके यहाँ एक सदस्य की मौत हुई है और इनका भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। ये उनका बेटा है। आपके पिताजी की मौत हुई है? जी हाँ। क्या नाम था उनका? रामपाल सिंह। रामपाल सिंह, कब की बात है ये, कब शराब पी थी उन्होंने? 28 की सुबह 10 बजे। 28 की सुबह? अच्छा। और कब उनका उनका उनकी मौत कब हुई? 28 की रात को 9:30 बजे। क्या शराब पीने के बाद क्या आपको लक्षण दिखाई पड़े थे उनके अंदर, जिससे आपको लगा कि ये जहरीली शराब है? आगे बीपी लो हुआ, बीपी लो के बाद फिर सोते हुए फिर शाम को टाइम दिखना बंद हो गया, फिर सारा शरीर नीला पड़ गया। अच्छा, शरीर पूरा नीला पड़ गया। अच्छा। पोस्टमार्टम नहीं हुआ? नहीं हुआ। आप लोगों ने सीधे दाह कर दिया? कोई आया प्रशासन से अभी तक? कोई नहीं आया। ये पिताजी हैं उनके? अच्छा, तो कोई अभी तक आया नहीं? कोई प्रशासन से, कोई अधिकारी, पटवारी, कैसे? कोई नहीं आया है। तो आप लोगों ने उसी दिन जो है दाह संस्कार कर दिया? अच्छा। कोई कैसे? और भी आसपास में ऐसी लोग हैं जिनके परिवार में ऐसी मौतें हुई हैं? जी हाँ, हैं 2-3। अच्छा, वहाँ पर उनका पोस्टमार्टम हुआ था? हाँ, उनका हुआ था, उनका हुआ था, वो हमारे संपर्क में। अच्छा अच्छा, तो क्या नाम है, उनके भी यही हुआ, चेहरा नीला पड़ गया था उनका भी? शायद उनका भी हुआ होगा। तो ये हम एक और घर में हैं इस समय जहां पर परिवार में एक व्यक्ति की मौत हुई है और यहां भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ। और अभिषेक, आपकी ये ग्राउंड रिपोर्ट जो है ये सारी तस्वीर बिल्कुल क्लियर कर देती है कि आखिर जो सरकारी आंकड़े हैं और जो गांव वाले कह रहे हैं कि ज्यादा लोगों की मौत हुई है, ये डिफरेंस आखिर क्यों आ रहा है, ये सब कुछ साफ हो जाता है ग्राउंड पर जो चल रहा है उसे देखने के बाद।
बिल्कुल देखिए, जब पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ, क्योंकि सीएमओ का साफ कहना है कि जब पोस्टमार्टम हुआ है उसके बाद ही हमने ये तय किया है कि जहरीली शराब इन्होंने पी थी कि नहीं पी थी, और उसके बाद ही हमने आंकड़े दिए। लेकिन यहाँ तो पोस्टमार्टम नहीं हुआ, और हम तो दो घरों में गए हैं, जहाँ जा रहे हैं मालूम पड़ रहा है कि आप कुछ दूर और चलिए तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा जहाँ पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और हमने अंतिम संस्कार कर दिया है। तो इसलिए ये संख्या इन तथ्यों को देखते हुए लगता है कि संख्या बड़ी है, ज़्यादा है ये संख्या। और सबसे अहम बात ये है समीर कि ब्लैक में देसी शराब को बेचने की हम जिन जट्टारी गए, हम अभी करसुआ गांव में, हर गांव में ये लोग बता रहे हैं कि ब्लैक में शराब बिक रही है, ठेका है, ठेके सामने ब्लैक में शराब बिक रही है, शिकायतें की जा रही हैं, शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 6 महीना पहले शिकायतों के प्रूफ सामने आए हैं। ये देखिए फिर से वो ठेका दिखा रहा हूँ जिस ठेके सबसे अधिक मौतें हुई हैं, इस ठेके को लेकर शिकायत की गई थी और इस ठेके पर कोई अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। अब इसमें लिखा हुआ है वर्ष 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक, और 2021 चल रहा है। कैसे ये चल रहा था, इसकी क्या इसका कब इसका रिन्यूअल हुआ था, क्या इस सब की भी कोई अभी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन इससे मौतें हुई हैं और इसके खिलाफ शिकायत की गई थी, ये फैक्ट है। ऊपर लेवल पर आप देखेंगे तो लड़ाइयां चल रही हैं, यहाँ के सांसद कह रहे हैं कि नहीं आपने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया है, जिसको पकड़ा है प्रशासन ने, इनको आप नहीं पकड़ सकते, आप पहले जाँच कीजिए। तो ये सारी चीजें समस्या की जड़ की ओर इशारा कर रही हैं, और ये जड़ काफी गहरी है समीर, इसमें दो राय नहीं है। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।